Namaste Galovers, welcome to my channel Car Deals and I am Kanishk Sethi. Finally, on popular demand, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ one of the most awaited deal on the most awaited car. Today, we have the all new Mahindra Thar Top Trim. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो बहुत ज़्यादा कॉम्पैक्ट होने वाली, मतलब बहुत छोटी रखने वाला हूं, बिकॉज इसकी जो इन डिटेल रिव्यू है वो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं, वो आप आई बटन में यहां पे क्लिक करेंगे तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, डिटेल रिव्यू उसमें है। आज की वीडियो में सिर्फ क्विक वॉक अराउंड करवाने वाला हूं, इसके फीचर्स तो नहीं बताने वाला इन डिटेल, बट बताता रहूंगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें आफ्टर मार्केट हैं जो आपको लगवाने की नीड नहीं पड़ेगी। वैसे तो टॉप ट्रिम है तो कुछ भी आपको ऐसा नहीं मिलने वाला जो आपको बाहर से लगवाने की नीड पड़ेगी, बट बिकॉज इट्स अ थार तो शायद आप अपने अलॉय व्हील्स या फिर वूफर एंड ऑल इसमें इंस्टॉल करवाना चाहें वो आपके ऊपर है। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि इस कार में क्या क्या चीज़ें हैं। एंड एक और चीज़, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप इस कार को बाय करने में इंटरेस्टेड है या फिर किसी भी कार, आई एम सेइंग कोई भी कार ए टू जेड, छोटी से छोटी या फिर बड़ी से बड़ी, किसी भी कार में इंटरेस्टेड है, कुछ भी आपका बजट है 2 लाख से लेके 50 लाख, 1 करोड़, यू कैन मैसेज मी। यहाँ पर आप देख सकते हैं मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं, मैं आपके लिए ऐसे ऐसे अमेजिंग डील्स लेकर आऊँगा कि आपको बिलीव ही नहीं होगा। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बाकी डीलिंग करते हैं। सो स्टार्ट करते हैं अपना क्विक रिव्यू फ्रॉम द फ्रंट लुक। फ्रंट लुक आपको बताइए कितना मैस्कुलिन है। जल्दी जल्दी यहाँ से बात कर लेते हैं। महिंद्रा का आपको मैसिव लोगो देखने मिलता है, ग्रिल्स देखने मिलते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सपोज एंड बहुत खुली है। उसके साथ साथ हेडलाइट की बात करें तो यहाँ पर हैलोजन लाइट देखने मिलती है, बल्ब लाइट देखने मिलती है टर्न इंडिकेटर्स में, एंड यहाँ पर आपको DRS की प्लेसमेंट मिल जाती है, ये लेकिन LED है। उसके बाद आपको नीचे आएंगे तो यहाँ आपको हैलोजन लाइट्स की प्लेसमेंट देखने मिलती है फॉग लाइट में। उसके बाद एक चीज़ मैं आपको यहाँ नोटिस करवा दूँ कि इस कार में आपको क्रोम का वर्क देखने मिलता है, मतलब जो कंपनी फिटेड नहीं आता है यहाँ पर, ये एक्स्ट्रा कॉस्ट बियर करके लगवाया गया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है। ये देख अपनी हेडलाइट में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं काफ़ी अच्छी कवरिंग देखने को मिलती है। नेक्स्ट अब मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी साइड प्रोफाइल। साइड प्रोफाइल जैसे फ्रंट है ना, विदाउट एनी स्क्रैच, बिल्कुल ब्यूटीफुल, वैसे आपको यहाँ पर साइड प्रोफाइल देखने को मिलती है दोनों ही तरफ। अभी वो ज़रा उधर से मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा बिकॉज बहुत बिल्कुल कम जगह है, देख सकते हैं हम यहाँ से देख सकते हैं, लेकिन ये देख सकते हैं बिल्कुल कम जगह, तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखा पाऊंगा, लेकिन ट्रस्ट मी, सच में जैसा आपको राइट साइड देखने मिल रही है ना वैसी लेफ्ट साइड है, बिल्कुल अनटच्ड गाड़ी है, चली इतनी कम है कि बस आपको क्या ही बताऊंगा। उसके बाद सबसे पहले टायर की बात कर लेता हूं, तो आपको टायर में अलॉय व्हील्स देखने मिलते हैं, कंपनी फिटेड, यहाँ कोई मॉडिफिकेशन नहीं है। और टायर के साइज़ की बात करूँ तो 18 इंचेस के बहुत ही मैसिव टायर आपको देखने मिलते हैं, देख सकते हैं आप कितने मैसिव है। उसके बाद यहाँ पर साइड प्रोफाइल में एम हॉक की आपको बैजिंग देखने मिलती है 130, विच इज़ इसके इंजन की बैजिंग, बिकॉज दिस इज द डीजल वेरियंट, दैट्स व्हाई आपको यहाँ एम हॉक की बैजिंग देखने मिलती है। पेट्रोल होता तो एम स्टैलियन देखने को मिलता। उसके बाद ये है इसका एंटीना, जस्ट लाइक पुरानी वाली थार, ये तो कंपलसरी होता ही है। उसके बाद ओवर भी हम देख सकते हैं आप, थार की बैजिंग देखने मिलती है। ये है हमारी कार की साइड प्रोफाइल, देख सकते हैं आप, वैसे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर कोई भी आपको एक छोटा मोटा स्क्रैच भी नहीं देखने को मिल रहा है, ये देख सकते हैं आप। वैसे जो हमारी पूरी गाड़ी है वो फ्रंट बम्पर टू बैक पूरी की पूरी कंपनी स्टॉक वाली है, मतलब कुछ भी एक्सीडेंटल नहीं है, कुछ भी यहाँ चेंज नहीं हुआ। एंड ये देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ छोटी छोटी डिटेल, ये देख सकते हैं यहाँ पर आपको बस ये छोटा सा स्क्रैच देखने को मिलता है, बाकी कुछ भी आपको नहीं देखने को मिल रहा है यहाँ पर, देख सकते हैं आप। फुल वॉक अराउंड मैं आपको दिखा रहा हूँ। नेक्स्ट रियर प्रोफाइल चेकआउट कराऊँ तो स्टॉक वाले आपको टायर देखने मिलता है डायमंड कट अलॉय व्हील्स के साथ, ये देख सकते हैं। यहाँ पर आपको पता चलेगा कि सच में ये टायर कितना मोटा है, क्या ग्रिप आने वाली है इसकी ऑफ रोडिंग में। उसके बाद टेल लाइट की बात करूँ तो जैसे मैंने आपको फ्रंट में बोला था कि इसमें आपको एज एन एक्सेसरी हमने एड ऑन करवाया है क्रोम का एलिमेंट, तो वो आप एलिमेंट यहाँ पर देख सकते हैं। स्टॉक वाले में ये क्रोम का एलिमेंट नहीं आता, काफ़ी अच्छा लग रहा है। उसके बाद यहाँ पर भी देख सकते हैं नीचे रिफ्लेक्टर में भी आपको यही क्रोम का एलिमेंट देखने को मिलता है। बाकी जो है ग्लास का एरिया वेरिया जो भी है, इसके बूट स्पेस सब कुछ इन डिटेल रिव्यू वीडियो में है, वो ज़रूर चेकआउट कर लेना।
सो आप चेकआउट कर लेते हैं हम इसका इंटीरियर। इंटीरियर मैं आपको दिखा देता हूँ कितना नीट एंड क्लीन है, सब कुछ एकदम मतलब बिल्कुल क्लीन गाड़ी आपको देखने को मिलती है, कोई भी एक हल्का सा स्क्रैच आपको कहीं नहीं देखने को मिलता। इन्फोटेनमेंट सिस्टम की बात करूं तो फ्लूइड लिक्विड आपको देखने को मिलता है, डिटेल रिव्यू देख लेना बाकी इन सब चीजों के लिए। बाकी आपको एक और एडिशनल चीज मिलती है कि आपको एडिशनल माइक मिल जाता है जिसपे आप अपने सारेगामा पा के कॉम्पिटिशन के लिए अपना ऑडिशन दे सकते हैं यहां से इस पर रिकॉर्ड करके। जोक्स अपार्ट, ये एयर प्रो है सॉरी। बाकी इंटीरियर आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग व्हील की बात करूं तो आपको क्रूज कंट्रोल भी मिल जाता है, लेफ्ट में सारे इंफोटेनमेंट सिस्टम को कंट्रोल करने के बटन मिल जाते हैं। यहां पे अभी कार ऑन नहीं है, इसको मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूं मीटर रीडिंग में कितना है, कितनी है कार चली है। बाकी आप यहां पर देख सकते हैं कि इंटीरियर कितना नीट एंड क्लीन है। सो ये कार में स्टार्ट वो कर देता हूं, इग्निशन ऑन, तो यहां मैं आपको दिखा देता हूं कि टोटल कितनी चली है। तो ये देख सकते हैं आप, ओडोमीटर में दिखा रहा है 57 and 38 किलोमीटर ये चली है। सो जैसा मैंने कहा था, बहुत ही कम चली हुई है कार, तो ये रही उसका प्रूफ। पीछे की बात करने से पहले मैं आपको दिखा दूं कि चारों सीटों पे आपको कवर देखने को मिलता है, काफी अच्छी कवरिंग है। एंड कुशनिंग की तो क्या ही बात करूं, अल्ट्रा कंफर्टेबल कुशनिंग आपको देखने को मिलती है। पीछे आप देख सकते हैं इनफ स्पेस है। और एक और जो चीज मेरे को अच्छी लगी इस कार में वो है कि आपको ये फ्लोरिंग देखने को मिलती है, ये देख सकते हैं आप, ये कंपनी फिटेड नहीं आती, ये थोड़ा सा एक्सटर्नली हमने करवाया है, मतलब ओनर ने करवाया है। ये देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, गाड़ी बिल्कुल भी गंदी नहीं होने वाली इस चीज़ों से। उसके बाद ये है फोर सीटर कार है, तो दो बंदों की सीटिंग पीछे आपको देखने को मिलती है एंड 2% की आपको फ्रंट में देखने को मिलती है। ऊपर देखें तो ऊपर आपको हार्ड टॉप है एंड हार्ड टॉप में आपको मिल जाता है यहाँ पर स्पीकर्स की प्लेसमेंट, जिनके साउंड बहुत ज्यादा अमेजिंग है। बीच में आपको व्हाइट लाइट भी मिल जाती है। सो अब जल्दी से बात कर लेते हैं इसके हार्ट की, विच इज इसका इंजन। सो इसमें आपको देखने को मिलता है M-Hawk 130। अच्छा, थार में ये है कि अगर पेट्रोल है तो एम स्टैलियन देखने को मिलता है और अगर डीजल है तो M-Hawk देखने को मिलता है। जल्दी स्पेसिफिकेशन की बात कर लेता हूँ। सीसी की बात करूँ तो ये इंजन आपको देता है अराउंड 2170 सीसी डिस्प्लेसमेंट। पावर की बात करूँ तो 130 bhp की पावर देता है, पेट्रोल वर्जन से थोड़ी सी कम है। बाकी जो टॉर्क है वो आपको बहुत ही औसम देखने को मिलती है डीजल वेरिएंट से, विच इज़ अराउंड 300 न्यूटन मीटर्स की टॉर्क, बिकॉज यहाँ आपको टर्बो चार्जर मिल जाता है, दैट्स वाई इतनी औसम आपको टॉर्क देखने को मिलती है। बाकी इंजन रिस्पॉन्स की तो क्या ही बात करूँगा, इंजन रिस्पॉन्स दी बेस्ट है, चाहे वैसे सिटी लाइफ के रखिए चाहे ऑफ रोडिंग के लिए रखिए। सो गाइज, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई नो वीडियो छोटी है, इन डिटेल मैंने आपको पहले कहा था कि मैं इन डिटेल नहीं बताने वाला, सिर्फ क्विक रिव्यू देने वाला हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ें इस वाली कार में, क्योंकि महिंद्रा थार पे ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है, चैनल पर है, आई बटन में है, उसको आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप यू लाइक द वीडियो, तो वीडियो को लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि जैसे मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन है। एंड कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि ये कार कैसी लगी, और अगर आप इस कार को बाय करने में इंटरेस्टेड है तो यहाँ पर मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, तो आप मेरे को पिंग कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपकी कोई और कार पे डिमांड है, कोई भी कार पे डिमांड है, तो वो भी आप यहाँ पर मेरे को मैसेज कर सकते हैं। सो अब नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, बाय बाय।